हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी कि जो आपका BARC का वर्क असिस्टेंट का आपने फॉर्म भरा था उसका जो आपको मेल आया है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने जो मैंने स्क्रीन पर ओपन रखा है वो है आपका मेल, जो आपको ईमेल के जरिए मिला है कि आपको शॉर्ट लिस्टेड की जो लिस्ट है वो अपलोड कर देगी इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है वेबसाइट कि उपयुक्त पद हेतु छटनी में चुने गए निकाले गए अभ्यर्थियों की अंतिम सूची निम्नलिखित लिंक पर भाभा यानी कि BARC के केंद्र की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब आप देख सकते हैं ये किस चीज़ के बारे में, पहले वो भी मैं आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2019 आर सेकेंड, आवेदित पोस्ट है आपके कार्य सहायक ए यानी वर्क असिस्टेंट ए का। अब देखिए आप में इसमें क्या बताया था, आपको ये मेल के थ्रू मिला है। अब काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, मैंने इसके पहले भी बताया कि सर जो इसकी वेबसाइट पे आ चुका है आप देख सकते हैं, बट अब रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, और जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है तो उसके हम नोटिफिकेशन जो है अपने चैनल पर लाके आपको बताते हैं, साथ ही उसके फाइनल रिजल्ट तक, ऐसा नहीं हम आपको बीच में ही छोड़ देते, जी नहीं, उसके कट ऑफ से लेके उसके स्टडी मटेरियल तक हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं स्मार्ट न्यूज चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। आपने देखा कि आपको जो वेबसाइट दी गई हुई ये है www.barc.gov.in/career/result.html। तो चलिए हम चलते हैं सीधा वेबसाइट पर और देखेंगे क्या वेबसाइट पे अपलोड है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर मैंने ओपन कर रखा है www.barc.gov.in। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप URL बॉक्स में यहाँ पर। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखिए आपको चेक करना है, तो चेक करने के बाद पता चलेगा हमें एक्चुअल में रियलिटी क्या है। आपको चेक करना कहाँ पे, देख लीजिए मैं आपको यहाँ पे सर्कल दिखा देता हूँ, करियर अपॉर्चुनिटीज जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट आएगा, और उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इस प्रकार का जो है पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि करियर अपॉर्चुनिटी में जाना है, और उसके बाद जी हाँ दोस्तों देखिए ओपन हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने जो है ओपन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आप जाके देख सकते हैं कि आपके लिस्ट में आया है या नहीं। तो आप देख लीजिए सबसे पहली जो लिस्ट दिखा जा रही है वो है 01 जो आपका 01/2019 R3 है। जी हाँ दोस्तों, आपको R2 चेक करना है। ये है आपका लिस्ट ऑफ स्क्रीन इन एंड स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। उसके नीचे हम आ जा रहे हैं तो वो है रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर। यानी कि दोस्तों आप इस लिस्ट में अगर चेक करते हैं R2, तो आपको इस लिस्ट में कहीं पर भी R2 को जो लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। बट हमें मेल के थ्रू एक मेल आया है जो आपको मैंने ऑलरेडी इसके पहले दिखाया कि इसमें बताया गया है कि उन्होंने अपलोड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में उन्होंने अपलोड किया था बट तुरंत ही किसी कारणवश उन्होंने निकाल दिया। अब हम देखते हैं कितने समय के बाद जो है वो लिस्ट आएगी, हमें इंतजार करना होगा, और अभी तक वेबसाइट पर नहीं आ गई है। आप सभी के क्वेश्चन जो आ रहे थे, सर वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रही है, तो मैंने भी इसको चेक किया दोस्तों, आप देख सकते हैं वाकई में कहीं पर भी नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी ये जो लिस्ट है वो वापस आई है, क्योंकि आपको मेल आ चुका है, ये ऑफिशियली मेल है दोस्तों। तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, लिस्ट अपलोड कर जाएगी एज सून एज पॉसिबल, और आप फिर जाके अपना अपना चेक कर सकते हैं आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड है या नहीं है, आप उस PDF फाइल में देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको पता चल चुका होगा ऑलरेडी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में जो भी आपके डाउट्स थे। बट कुछ डाउट्स अगर अभी भी रह जाते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा स्मार्ट न्यूज चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।